तो भाई जून के महीने में किस कंपनी के कितने यूनिट्स बिकी है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं जून के महीने में 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले एसयूवीज के बारे में। 10th पोजीशन पर है किया सोनेट, जिसकी जून के महीने में 7,722 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। सोनेट का नाम जैसे तैसे टॉप 10 की लिस्ट में आ गई है, लेकिन सेल्टोस का नाम दूर दूर तक नहीं है बॉस। उसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति फ्रॉन्स, जिसकी जून के महीने में 7,991 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। हाल ही में मारुति ने फ्रॉन्स को लॉन्च किया और लॉन्च होते से ही ये टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी जून के महीने में 8,648 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। ये सेल स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की ही कंबाइंड सेल है। उसके बाद 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी बोलेरो, जिसकी जून के महीने में 8,686 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। उसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 10,486 यूनिट्स बिकी है जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। क्या आप लोगों ने एक कमाल की चीज़ नोटिस की? ग्रैंड विटारा की हर महीने की सेल्स लगभग 10,200, 300 या 400 के आसपास ही रह जाती है। तो चलिए अभी टॉप 5 की बात कर लेते हैं। 5th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा, जिसकी जून के महीने में 10,578 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद 4th पोजीशन पर है छोटा बम बड़ा धमाका टाटा पंच, जिसकी जून के महीने में 10,990 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। छोटा बम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिखने में ये छोटा है बॉस, लेकिन ये सेल्स के मामले में बड़े बड़े गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद 3rd पोजीशन पर है हुंडई वेन्यू, जिसकी जून के महीने में 11,606 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। 2nd पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन, जिसकी 13,827 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर जून के महीने में। तो चलिए अब उस एसयूवी के बारे में बात कर लेते हैं जिसने नेक्सॉन को हरा के फिर से नंबर 1 एसयूवी बन गया है। वो है हुंडई क्रेटा, जिसके जून के महीने में 14,447 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। तो ये है वो 10 एसयूवी जो जून के महीने में टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। बाकी आज की इस वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।